नमस्कार मैं हूं संजय शर्मा आप देख रहे हैं फोर पी एफ न्यूज़ नेटवर्क वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता करते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है हमारी सदस्यता का है अगर आप भरेंगे हमारे सदस्य बनेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे आज मैं बात थोड़े से प्यार और थोड़े गर्व के साथ कर रहा हूं आप ही मेरे दर्शक हैं आप ही मेरे परिवार के लोग हैं तो कुछ बातें भले वो अपनी तारीफ में आप कहो कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं लेकिन मुझे बताना चाहिए एक घटना घटती है घटना घटती है कि दिल्ली के सबसे पौश इलाके में एक संजय शेखपुरिया रहते हैं साहेब बड़े हाई फाई पाँच सौ करोड़ का बंगला बताया जाता है प्रधानमंत्री के घर के लगभग पास में एक दिन अचानक उन्हें उत्तर प्रदेश की एस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करती है और कहती है बड़ा ये बड़ा फ्रॉड है इसने जाने कितने लोगों को ठगा लंबी लंबी कहानी बताती है और संजय शेखपुरिया जी जेल चले जाते हैं संजय शेरपुरिया जी के फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हैं कौन बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसके साथ उसके फोटो नहीं है और जिस बात की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुन के आप खुश होंगे क्योंकि आप मेरे परिवार का सदस्य हैं संजय शेखपुरिया की छोटी सी खबर छप जाती है किसी को कहीं किसी टीवी चैनल पर नहीं होती कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि इतना बड़ा आदमी जिसका घर प्रधानमंत्री के घर के पास में है और एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो प्रधानमंत्री के घर का वाईफाई भी बता दिया करता था जिसके फोटो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं आखिर उसको उत्तर प्रदेश की एस कैसे गिरफ्तार कर लेती है कहीं ये खबर नहीं कि इधर संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी हुई उधर योगी आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी माने जाने वाले गैलेंट कंपनी सरिया कंपनी बहुत बड़े आदमी उनके घर इनकम टैक्स के छापे डाल दी जाती है और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में यूट्यूब में सिर्फ आपका फोर पी एम था जिसने यह खुलासा किया कई कई यूट्यूबर सब संजय शेरपुरिया के ऊपर तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं उन सब टाइम लाइन में जाइएगा और अपने फोर पी को देखिएगा देश में पहली खबर पहली कहानी संजय शेरपुरिया की पहली चीज से फोर पी ने चलाई और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ ये कई बार ऐसा होता है फोर पी ब्रेक करता है खबर और फिर देश के बाकी यूट्यूबर चैनल बाकी अखबार फिर उसको देख देख के खबरें लिखने लगते हैं मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं संजय शेरपुरिया दिल्ली में रहता था संजय शेरपुरिया ऑपरेट करता था दिल्ली में संजय शेरपुरिया के सारे ठिकाने थे दिल्ली में दिल्ली का पौष इलाका दिल्ली के बड़े बड़े लोग तो दिल्ली के पत्रकार क्या इंतजार करते हैं कि फोर पी में खबर आ जाए और फिर वो उसकी कॉपी करके कहानियां बताए आपका नेटवर्क क्यों नहीं काम करता मैं लखनऊ में बैठता हूं लखनऊ में बैठ के मैं दिल्ली के नेटवर्क की खबरें बता दिया करता हूं दिल्ली के पत्रकार क्या करते हैं दिल्ली के यूट्यूबर्स क्या करते हैं खैर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है अतीक अहमद को लेकर लगातार गोदी मीडिया घंटों घंटों घंटो खबर चलाता रहा यूट्यूबर्स खबर चलाते रहे किसी यह जानने की कोशिश नहीं करी कि पूरी कहानी जहां से शुरू होती है अतीक अहमद की अहमदाबाद जेल वहां की जेल के हालात क्या है मैं इकलौता इंसान था जो अहमदाबाद गया अतीक अहमद की साबरमती जेल तक गया जेल अधीक्षक से बात करी आसपास बात करी जेल के सामने से खड़े होकर बताया आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि फोर पीएम की आज जो स्थिति बनी है देश भर में वो इसीलिए बनी है क्योंकि मैं स्पॉट की रिपोर्टिंग करता हूं लोग मुझे भरोसा करते हैं हर खबर बताते हैं संजय शेरपुरिया के गुजरात लिंक की कहानी बहुत लोग बताते हैं लेकिन संजय शेरपुरिया की कहानी गुजरात तक जाके मालूम करने की कोशिश किसी ने नहीं करी फोरपीएम गया फोरपीएम गुजरात के उस बैंक तक गया जिस बैंक ने संजय शेरपुरिया के गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर उसके ऋण वसूली का विज्ञापन छाप दिया तीन सौ उन्नीस करोड़ के आसपास मैंने तमाम विज्ञापन देखे हैं जिनका कर्जा दो जो लोग नहीं दे पाते नहीं चुका पाते वो विज्ञापन छापता है बैंक लेकिन मैं शायद ये पहली बार देख रहा हूं जिसने कर्जा नहीं दिया उसके फोटो भी छपे हैं मैंने आज तक कभी कभी किसी अखबार में दर्जनों मैंने ऋण वसूली के देखे हैं उनके फोटो नहीं छापे जाते तो आखिर कैसके कहने पे संजय शेखपुरिया उसकी पत्नी और एक व्यक्ति के फोटो छापे गए ये कहानी जानने के लिए फोरपीएम गया गुजरात लेकिन जब हमने बम फोड़ दिया हमने बता दिया कि संजय शेरपुरिया का नेटवर्क क्या था और फिर यूपी की एस टी ने कितनी हिम्मत करी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी फोटो बताते हैं मोहन भागवत के करीबी फोटो बताते हैं अमित शाह के करीबी फोटो बताते हैं उसको एस दबोच लाई उत्तर प्रदेश की एस दबोच लाई कहानी बताई कि वो ट्रेन में आ रहा था ठग है उसने डालमिया से पांच करोड़ छह करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लिए मैंने सवाल उठाया कि देने वाले ने शिकायत नहीं करी ठगी कैसे हो गई आप कल्पना करिए आप मेरे अकाउंट में पांच करोड़ रुपए किसी काम के लिए मैं कहता हूं कि चलिए मैं आपकी जांच चल रही है आपकी ईडी की जांच चल रही है मैं मैनेज करा दूंगा और आप पांच करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डालते हैं थोड़ी देर को कल्पना करिए और मैं पांच करोड़ रुपए में पचास पचास लाख रुपए दिल्ली के वकीलों को दस वकीलों को देता हूं दिल्ली के वकील एक एक वकील की दस दस लाख बीस बीस लाख डेट होती है इसमें धोखाधड़ी कब बनेगी धोखाधड़ी तब बनेगी जब आप शिकायत करें कि मैंने संजय शर्मा को पांच करोड़ रुपए दिए संजय शर्मा ने कहा था मैं ये काम करा दूंगा और काम नहीं हुआ यह मैं पहली एफ देख रहा हूं मेरे अधिवक्ता है वो बता रही पहली एफ है जिसमें कहा जा रहा है कि आपने डालमिया ने से इन्होंने फर्जी तरीके से पांच करोड़ रुपए ले लिए डालमिया की शिकायत ही नहीं है एफ में शिकायत ही नहीं है एफ में कहा ठगी करी किससे ठगी करी इसका कोई जिक्र ही नहीं है और देश की एक बड़ी मीडिया वेबसाइट है भड़ास यशवंत लिखते हैं उन्होंने खबर छाप दी आज और इंडियन एक्सप्रेस से भी छाप दी और खबर छपी कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को इसी संजय शेरपुरिया ने 25 लाख रुपए का कर्जा दिया था और आज तक मांगा ही नहीं राज्यपाल मनोज सिन्हा ने चुनावी हलफनामे में 25 लाख रुपए को अनसिक्योर लोन के तौर पर जिक्र भी किया है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मनोज सिन्हा लोन लुटाने के लिए संजय शेरपुरिया को खोजते रहे और यह बंदा मिला ही नहीं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सामने आ रही है संजय शेरपुरिया की इस मामले में किसी को पता ही नहीं जिस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई भी एक लिखित शिकायत नहीं है भड़ास की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं बड़ास लिख रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक एक भी लिखित शिकायत नहीं है किसी की उसे सबसे बड़ा फ्रॉड ठग घोषित करने का अभियान जारी है मनोज सिन्हा ने राज्यपाल ने लोन लिया लोन लौटाने के लिए संजय राय को खोज रहे संजय शेखपुरी मिल नहीं रहा है सोचिए क्या गजब कहानी है लोन लेकर वापस ना मांगना भी अपराध की तरह पेश किया जा रहा है लोन लेने वाला चूंकि माही माही में ये वो गलत कैसे हो सकता है सवाल उठना चाहिए कि अगर संजय राय शेरपुरिया इसका पूरा नाम है महाठग है तो उससे कर्जा क्यों लिया देश के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ठग से एक राज्यपाल का क्या याराना? क्या ठग को अब तक संरक्षण देते रहे मनोज सिन्हा पर यह सवाल पूछेगा कौन क्योंकि मीडिया तो गोदी है बल्कि विपक्ष तो के नेता आईपी सिंह समाजवादी पार्टी नेता वो कसके सवाल उठाते हैं उन्होंने सवाल पूछा है ट्वीट किया है मनोज सिन्हा से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके संजय राय शेरपुरिया से कितने गहरे रिश्ते थे क्या मनोज सिन्हा और संजय शेरपुरिया के संबंधों की, की जांच करेगी एस आईपी सिंह ने ट्वीट किया कि मनोज सिन्हा का पेट बहुत बड़ा है भाजपाइयों के दांत खाने के कुछ और दिखने के कुछ और होते हैं मनोज सिन्हा ने संजय राय शेरपुरिया से लिया है पच्चीस लाख रुपए का लोन ये आईपीसी ने छापा है ट्वीट किया है अब आप मुझे बताइए कौन जांच करेगा कौन जांच करेगा कोई जांच नहीं करेगा आगे चलता हूं मैं एबीपी न्यूज ने संजय शेरपुरिया के ऊपर कार्यक्रम किया क्या बात है आपको देखा होगा कार्यक्रम एबीपी का क्या बात है कि हर अंक अपने आप में एक प्रमाण है राजेश हैं, चलाते हैं उन्होंने लिखा है फिर वहां सोचो ए का एक बहुत शानदार शो है क्या बात है उसके जो होस्ट है उन्होंने लिखा है मैं पढ़ के बताता हूं आपको मैं बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा उन्होंने कहा है कि यूपीएस टी एफ से अनुरोध किया है कृपया एवीपी के एस को पहले एक बार देख ले पत्रकारगण इस बारे में एक तरफा लेखन के पाप से बच जाएंगे और यूपीएस टी की आंखें खुल जाएगी कि जिस किसी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर शेरपुरिया पर गोली चलाई है उसने यूपीएस को कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है कुछ मौलिक प्रश्न विचारनी है ये ए के राजेश ही लिख रहे हैं अगर ये एक महा ठग है तो ठगी किसके साथ हुई है किसने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है क्या एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने इनके खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई है क्या देश भर में एक भी शिकायत किसी भी मामले में इनके खिलाफ दर्ज है खुद यूपीएसटीएफ का एक अधिकारी इनके खिलाफ मामला दर्ज कराता है वो भी इन्हें आधी रात कानपुर रेलवे स्टेशन से यूपीएसटी एफ द्वारा उठा लेने की बात दरअसल ये सीधे सीधे यूपीएस के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बनता है इट इज ए क्लियर केस ऑफ क्रिमिनलेशन अगेंस्ट इज नॉट यूपीएसटी डेयर यूपीएसटी संजय शेखपुरी के खिलाफ दर्ज एफ आई में कोई शिकायत करता ही नहीं है पुलिस वालों ने खुद ही एफ करा दी सारी कही सुनी बातों को दर्ज किया गया थोड़ा नकद रुपए थोड़ी शराब थोड़े आधार कार्ड थोड़ा धंधा पानी के मैसेज यह भी कोई अपराध है बड़ास ने लिखा इससे बड़े बड़े पापी तो बीजेपी में बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं ऐसा लगता है बीजेपी यूपी की गुटबाजी में संजय शेरपुरिया को निपटाया गया और यह सबसे पहले देश में मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी की एस ने दिल्ली को पसीना छुड़ा दिया क्योंकि यशवंत जो बड़ास के मालिक हैं वो गाजीपुर के रहने वाले हैं वो लिखते हैं कि गाजीपुर जिले की भूमियार लॉबी और बाबा की यानी मुख्यमंत्री की ठाकुर लॉबी में छत्तीस का आंकड़ा रहता है पावर में बाबा जी की ठाकुर लॉबी पुलिस को मन माफी उपयोग कर लिया जाता है वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर के इशारे पर शेरपुरिया का शिकार किया गया संजय भूमिहार नेता के रूप में खुद को स्थापित कर रहे थे गाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी थी इसके लिए ग्राउंड पर संजय ने काफी पैसा खर्च किया था बीजेपी में गाजीपुर जिले के मामले के सारे फैसले इन दोनों कश्मीर के इशारे पर होते हैं लाट साहब की गाजीपुर के छोटे से छोटे मामलों में भी खूब रुचि और दखल लेता है उन्हें ना पसंद था कि उनके इलाके में कोई दूसरा सजातीय नेता पनप जाए तो संजय शेरपुरिया को निपटाने की पूरी तैयारी की गई इस मामले में जितने भी उतनी बातें हो रही हैं एस ने पकड़ लिया आगे कई शिकायतकर्ता मिल ही जाएंगे नए केस आरोप भी लग जाएंगे पुलिस कैसे तिल का ताड़ बनाती है सबको पता है और यह बात जो मैं कह रहा हूं भड़ास में भी खबर है कि एफआईआर में डालमिया के अकाउंट से पैसा आया दिखाया जा रहा है भाई डालमिया ने तो अपनी एनजीओ से इनकी एनजीओ को पैसे दिए डालमिया इस बारे में कोई शिकायत नहीं कर रहा फिर अपराध कैसे हो गया यह या एफ आई आर पढ़कर समझ आता है कि संजय शेरपुरिया के खिलाफ बताने के लिए पुलिस के पास फिलहाल कुछ नहीं है ऐसा लगता है कि यह व्यक्तिगत खुन्नस में गिरफ्तारी की गई है। और वो सारी सारी कहानी एफ आई आर में पढ़ के लगती है हम गए हमारी टीम गई टीम गई उस जगह पहुंची गुजरात के हमारे स्थानीय संपादक है का मयूर जानी वो स्टेट बैंक स्टेट बैंक के अधिकारियों से बात की कि आपने लोन कैसे लिया कौन गारंटर था कैसे किया पूरी देखिए गुजरात से मन मयूर जानी की एक स्पेशल रिपोर्ट जो उस बैंक तक पहुंचे और मालूम किया संजय शेपुरिया के बारे में इस रिपोर्ट को देखिए उसके बाद मैं कुछ और बड़े खुलासे आपके सामने करूंगा दोस्तों ये आप जो मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं ये एस की कॉमर्शियल ब्रांच है ये कॉमर्शियल ब्रांच जो है वो अहमदाबाद में वी अस्पताल के बिल्कुल सामने की तरफ आई हुई है और ये ब्रांच पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि संजय शेरपुरिया नाम के शख्स ने जो 341 करोड़ का चूना लगा है वो इस एस बैंक की वहाँ ऊपर जो एक ब्रांच है दूसरे माले पे ये पूरा बिल्डिंग एस का है कॉमर्शियल ब्रांच है वहाँ पे एक विशेष रूप से ब्रांच रहती है वो ब्रांच जिसका काम होता है इस तरह से रिकवरी करना और रिकवरी करके फिर पैसा बैंक को वापस लौटाना तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है इनके प्रबंधक जो भी हो इस ब्रांच के तो उनको मिला जाए उनसे बात की जाए और उनको ये उनसे बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए कि ये जो पैसा है ये बैंक ने इनको किस आधार पर दिया था क्यों दिया था कब से दिया था और अब वो क्योंकि बेसिकली वो पैसा तो पब्लिक का है मेरा और आपका पैसा है पैसे कहीं पेड़ पे उगते नहीं है आप सब जानते हैं हमारा पैसा होता है एट लार्ज जो सबको बतौर लोन वगैरह दिया जाता है और फिर ये लोग जो है वो इसको लेके चूना लगा के चुम हो जाते हैं तो हम पहुंचे बैंक को हम पहुंचे हम गए दूसरे माले पे उनके प्रबंधक है कुमार राजेश साहब करके एक सज्जन है जो उनके प्रबंधक है उस ब्रांच के हमने उनको कहा कि हमको आपसे ऑफिशियल वर्जन चाहिए इस पूरे मामले में हमने वो नोटिस जो उन्होंने पब्लिश की हुई है अखबारों में वो नोटिस दिखाई हमने कहा कि इस सिलसिले में आपसे बात करनी है तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर जो तो है कोई भी ऑफिशियल बात या वर्जन अपनी कमेंट टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता तो हमने कहा कि देखिए मामला ये है कि अब अच्छा कारण उन्होंने ये कहा हमने कहा क्यों नहीं दे सकते आप तो उन्होंने कहा कि भाई आप थर्ड पार्टी है और आप थर्ड पार्टी है तो ये तो दो पार्टी के बीच का मामला है जिसने ऋण दिया और जिसने ऋण लिया, तो आप थर्ड पार्टी इसलिए हम आपको नहीं दे सकते तो मैंने कहा सर आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि आपने जो पैसा दिया जो ऋण दिया वो पब्लिक का पैसा है वो तो आपका तो पैसा है नहीं तो अगर पब्लिक का पैसा तीन सौ इक्यालीस थ्री हंड्रेड फोर्टी वन पॉइंट ट्वेल्व करोड़ रुपी, इतने पैसे अगर आपने दे दिए और आप, वो आदमी जो है उसको आपको वापस पैसा कर नहीं रहा है तो पब्लिक का पैसा इतना गया है तो पब्लिक की ओर से हमको पूछने का पूरा अधिकार है तो आप हमें थर्ड पार्टी नहीं कह सकते तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात चलिए ठीक है पैसा जो है वो तो पब्लिक का ही होता है लेकिन फिर भी अब मैं तो उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं कम से कम ये बता दीजिए कि ये जो पैसा है कितने समय से बकाया चल रहा है कब से पैसा आप, आपने ऋण देना कब से लोन देना कब से शुरू किया आपने और अभी कोई वसूली कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं और अगर आज ये जो नोटिस आपने छापा है तो वो इनकी गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही क्यों छापा है ये सब सवाल हमने पूछे लेकिन इनका एक सिर्फ स्टैंडर्ड जवाब रहा प्रबंधक साहब का कुमार राजेश साहब का कि ये जो है इसमें मैं कुछ बात आपसे कर नहीं पाऊंगा ऑफिशियली मैं इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा और इसमें आगे आपको जो पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है आप उस इंफॉर्मेशन को उपलब्ध जो सूचना है उसका उपयोग कर सकते हैं हमारी ओर से जो है कोई भी ऑफिशियल वर्जन निवेदन बयान स्टेटमेंट कुछ भी हम नहीं दे पाएंगे तो ये हम बातचीत करके नीचे उतरे तो हमने कहा कि यहाँ बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर ये बात आप तक पहुंचा दे आपने देख चुके आप वो देख आपने अभी पहले देखा होगा कि इनकी जो संजय शेरपुरिया की जो तो दफ्तर है उसका श्री कृष्णा सेंटर अहमदाबाद में मीठागली छह रस्ता वहां पे हम गए पहले और वहां देखा आपको आपको हमने दिखाया कि वहां किस तरह से वहां बैंक का सील लगा हुआ है और ये जो सील भी लगा है और नोटिस भी लगा हुआ है तो ये रिकवरी प्रोसेस चल रही है लेकिन ये कुल मिला के जब देखते हैं तो ये लगता है कि पब्लिक का पैसा बैंक किसी और को देती है पब्लिक को ही अगर चाहिए अगर आम आदमी को चाहिए भैया कुछ काम धंधा करने के लिए कुछ रोजगार खड़ा करने के लिए कितनी मशक्कत से उस मैं हमने हमने ये भी कहा मैनेजर साहब को मैंने कहा साहब देखिए इतना चीटिंग धोखाधड़ी करके आदमी चला गया आपका ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो आपको चुना लगा के चले जाते हैं वो चूना आपको नहीं लगता है चूना जो है वो जनता को लगता है और वही जनता वही आम आदमी अगर आपके पास आके कोई छोटा मोटा रोजगार के लिए लोन लेने की बात करता है आप जो है उसकी एरिया किस देते हैं तो बोला ये कहां का न्याय है जवाब आपको देना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं इस पर कोई बात नहीं कर पाऊंगा आप पब्लिक तो डोमेन में जो है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कुल मिला बात यह है कि ये पकड़े जाने के बाद ही नोटिस जारी करना ये भी अपने आप में एक बड़ा एक जो है एक, एक शंका मन में सवाल जो है शंका युक्त सवाल जो है मन में खड़ा करता है तो ये हमको आपको पहुंचाना था हमने आपको पहुंचा दिया अब हमारे पीछे जो कैमरा के पीछे भाई हैं राहुल पांडे जी उनके साथ में मयूर जानी आपकी सेवा में हूं आप सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच तो ये थी मयूर जानी की रिपोर्ट अब मैं दूसरी बात कहता हूँ अब मैं मानता हूं एस की एफ सही है क्योंकि एफ दर्ज है संजय शेरपुर या जेल में तो मैं मान लेता हूँ ये ठग है और ये मैं मान लेता हूं इसने कई लोगों से नौकरी रोजगार देने के नाम पर ठगी की है जैसा एफ में लिखा है हालांकि किसी का नाम नहीं है तो मैं दूसरी बात पूछता हूं प्रधानमंत्री के घर से 500 मीटर की दूरी पर बैठकर एक व्यक्ति जिसके यहां लाइन लगा के ब्यूरोट आते थे लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी के नेता आते थे मोहन भागवत बताते थे प्रधानमंत्री तक की सूचना वो उससे संबंधित थे एयरपोर्ट पे वो प्रधानमंत्री को उनके जहाज के पास रिसीव करता है क्या देश की आईबी रॉ इनको कुछ पता ही नहीं देश में हो क्या रहा है अगर ये ठग है अगर एस के मुताबिक वहां ठग है तो ये प्रधानमंत्री के एक घर के एक किलोमीटर के दूर में महीनों सालों से ठगी कर रहा है और देश की इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है तो तो फिर डूब मरे जाके आईबी और रॉ इसका मतलब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले गुजरात की धज्जियां उड़ाई बताया कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां की जेलों में लश्कर ए तैया अलकायदा आईएसआई के लोग काम करते हैं ड्रोन से हथियार आ जाते हैं मतलब गुजरात की धज्जी आती संजय शेरपुरिया को बताया कि वो प्रधानमंत्री के घर से एक किलोमीटर बैठ के ठगी का इतना बड़ा कारोबार कर रहा है आईबी के चीफ को तो तत्काल टर्मिनेट कर देना चाहिए ट्योवाल तो को हटा देना चाहिए अगर कोई प्रधानमंत्री के करीब का इतना व्यक्ति बैठ के सालों से यह कारोबार कर रहा है तो फिर डोभाल की जरूरत क्या है फिर आईबी की जरूरत क्या है फिर इंटेलिजेंस की जरूरत क्या है दिल्ली पुलिस की जरूरत क्या है हमारी एस को लगा दो वहां नपेरा हमारी एस के अफसरों को भेज दो वो आई का काम करेंगे वो रॉ का काम करेंगे इंटेलिजेंस का, का, का काम करेंगे इन लोगों की क्या जरूरत दरअसल खेल दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई का है दरअसल वर्चस्व का है और दरअसल 2024 के पहले की राजनीति का है जो अब ऊपर विस्फोट की तरह बनती जा रही है किसी भी दिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की नेतृत्व के बीच में विस्फोट हो सकता है यह बात मैं आज आपसे कह रहा हूं संजय शेरपुरिया की कुछ और बातें मैं आपको बताता रहूंगा देखते रहिए फोर पी न्यूज नेटवर्क क्योंकि यही वो चैनल है जो डंक की चोट पे सच बोलेगा किसी के बस के नहीं है खुलासे पहले खुलासे यही होंगे इसीलिए फोर पी देखिए कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं फोरपीएम बिहार गुजरात कर्नाटक उन्हें भी सब्सक्राइब करिए शुक्रिया थैंक यू